राजधानी बेंगलुरु में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल पहुंचा। इसके बाद इन स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों में डर बैठ गया। इन स्कूलों में से एक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास के सामने स्थित है। डीके शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला। मैं यहाँ जांच करने आया था। इसके बाद पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में स्कूलों की तलाश ली गई। साथ ही बम निरोधक दस्ते को उन सभी स्कूलों में भेज दिया गया जहां बम की धमकी मिली थी। जिन स्कूलों को ये धमकी मिली है उनमें व्हाइटफील्ड, कोरे मंगला, बशवेश नगर, यालहंका और सदाशिव नगर के स्कूल शामिल है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। वहीं बेंगलुरु के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, पुलिस जांच करेगी और मैंने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे दिया है। सुरक्षा उपाय किए गए और माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को स्कूलों का निरीक्षण करने और सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। पुलिस विभाग से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसी के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर जी ने कहा कि हम ईमेल के सोर्स की पुष्टि कर रहे हैं, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच करने के लिए पुलिस को सूचित कर दिया है।